वही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे ऑडिटोरियम में सशस्त्र सेना दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना के एकजुट प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल सिर्फ एक रक्षा संरचना नहीं है बल्कि ये हमारे देश की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना के एकजुट होकर कार्य करने का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हमारे वीर जवान अपने जान की परवाह के बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीलिए राष्ट्र नायक के रूप में आम जनमानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर स्थिति में करने में सक्षम है।